नमस्कार, मैं शाकिब सैफी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल का सिलसिला जारी रहा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 15 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 82.06 रुपये और डीजल की कीमत 6 पैसे प्रति लीटर 73.78 रुपये हो गई। जानकारों का मानना है कि रुपये में गिरावट और ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण है। इंडियन ऑयल पेट्रोल पर दे रही 40 रुपए का कैशबैक। 100 रुपए इससे ज्यादा का पेट्रोल भरवाने पर इंडियन ऑयल कंपनी 40 रुपए का कैशबैक दे रही है। हालांकि यह ऑफर डिजिटल वॉलेट फोन पे ऐप से भुगतान करने पर ही मिल रहा है। यह कैशबैक 10 बार पेट्रोल भरवाने पर मिलेगा, यानी इसके लिए 10 बार फोन पे से पेमेंट करना होगा। यह ऑफर 30 सितंबर तक ही उपलब्ध है। साथ ही एक दिन में एक बार ही कैशबैक ले सकेंगे। परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू। ट्रेनें चला रहा मुख्य सूचना अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि दानापुर लखनऊ रेलवे के परीक्षार्थियों के लिए दानापुर लखनऊ, पटना गोरखपुर और गया रांची के बीच प्रतिदिन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच, पटना गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक और गया रांची के बीच स्पेशल ट्रेन 16 से 23 सितंबर तक चलेगी। इसरो ने PSLV के साथ भेजे 2 ब्रिटिश सैटेलाइट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सैटेलाइट कैरियर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-42 के साथ 2 ब्रिटिश सैटेलाइट भेजे। ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यह PSLV की 44वीं उड़ान थी। इसके साथ ही पिछले 3 साल में इसरो ने 5,600 करोड़ रुपए की कमाई की है और भारत वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री में $300 बिलियन से अधिक की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी देश बन गया है। पिछले कुछ समय से इसरो विश्व में सबसे कम खर्च में सैटेलाइट भेज रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, नेपाल और भूटान को भारत के प्रति झुकाव रखना होगा। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि नेपाल और भूटान जैसे देशों को भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के प्रति झुकाव रखना होगा। मीडिया से बातचीत में जनरल रावत ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध अब 70 साल पहले की तरह नहीं है, इसलिए हमें कुछ मुद्दों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने देश को मजबूत रखने पर ध्यान देना होगा। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद चीन पहुंचा मांगकुत तूफान। फिलीपींस और हांगकांग में तबाही मचाने के बाद मांगकुत तूफान ने चीन के दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दे दी है और 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चीन में अब तक 24.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही 29,000 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम रोक दिया गया है। 632 टूरिस्ट स्पॉट्स को भी बंद कर दिया गया है। फ्लोरेंस तूफान के चलते बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फ्लोरेंस तूफान के कारण बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ का खतरा बताया जाता है। हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। तूफान के कारण मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 9 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। सबसे ज्यादा कारोबारी घरानों वाली कंपनियों में भारत तीसरे स्थान पर। स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कारोबारी घरानों के स्वामित्व वाली कंपनियों के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। भारत में ऐसे 111 बिजनेस हाउस हैं। इनके मालिकाना हक वाली कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 60 लाख करोड़ रुपए है। चीन 159 परिवार नियंत्रित कंपनियों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 121 कंपनियों के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद बैटिंग करते रहे तमीम इकबाल। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के पहले ही मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के रेगुलर ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल के बाएं रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया। इसके बावजूद वो अपनी टीम का 9वां विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए और आखिरी विकेट के लिए रहीम के साथ मिलकर 32 रन की साझेदारी की। उनकी इस साझेदारी की बदौलत टीम का स्कोर 261 रन तक पहुंच गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे भी चली हॉलीवुड। एक्ट्रेस राधिका आप्टे बॉलीवुड और इंटरनेट पर धमाल मचाने के बाद अब हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। राधिका ने हॉलीवुड की एक फिल्म साइन की है जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। मांझी पार्चर्ड, लस्ट स्टोरीज, सेक्रेट गेम्स जैसी फिल्मों में काम कर चुकी राधिका आप्टे के अनुसार लोगों को न केवल हॉलीवुड का सपना देखना चाहिए बल्कि दुनिया में समान सम्मान के लिए लड़ना भी चाहिए। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।